नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। रेलवे बोर्ड RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा अभी एक न्यू लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि फ़ीस के रिगार्डिंग अब काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि वो फ़ीस तो डेबिट हो जा रही थी उनके अकाउंट से, बट फिर से वो उनके अकाउंट में वापस आ जा रही थी फ़ीस, मतलब जो फ़ीस थी वो सबमिट नहीं हो पा रही थी। इसी के रिगार्डिंग एक नया नोटिस जारी किया गया है RRB के द्वारा। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है RRB के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा इम्पोर्टेंट नोटिस ये जारी किया गया है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है, अटेंशन टू द एप्लीकेशन सबमिटेड कैंडिडेट ऑफ CN नंबर RPF 1/2024 सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड RPF 2/2024 कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव फॉर एप्लीकेशन फीस पेमेंट। तो ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है, ये RPF की कॉन्स्टेबल भर्ती और SI की भर्ती जो निकाली गई थी, 4200 प्लस पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था, इसी के फीस के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है। आइए हम आगे देख लेते हैं क्या कुछ बताया गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, वन टाइम अपॉर्चुनिटी, एक ही बार ये अवसर दिया जा रहा है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन बिफोर क्लोजिंग डेट 14/5/2024। तो ये जो इनका RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा RPF की कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती निकाली गई थी, उसकी लास्ट डेट 14 मई 2024 रखी गई थी। फॉर्म के रिगार्डिंग ये नहीं किया गया है कि लास्ट डेट एक्सटेंड, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। 14 मई ही इसकी लास्ट डेट थी और इसको बढ़ाया नहीं गया है। बस ये नोटिस और ये जो अपॉर्चुनिटी है उन्हीं स्पेशल बच्चों के लिए दी गई है, जो बच्चे ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर चुके हैं और जो फीस सबमिट नहीं कर पाए हैं, या फिर जो फीस सबमिट कर रहे थे उनके कार्ड से डेबिट तो हो जा रहा था बट वापस उन्हीं के अकाउंट में आ जा रहा था, फीस सबमिट नहीं हो पा रही थी, उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है। आइए आगे देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया, इन व्यू ऑफ मे क्वेरी कंप्लेंट्स असाइन ऑन क्लोजिंग डेट फॉर फी पेमेंट अगेंस्ट ऑलरेडी सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CN नंबर इतना सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव RPF 2/2024 कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस और टू दोज कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर क्लोजिंग डेट। तो ये ऊपर मैं बता चुका हूँ, उन्हीं बच्चों के लिए ये सुविधा और अवसर दिया गया है जो बच्चे ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर चुके हैं बट उनकी फीस कटने में जो दिक्कत आ रही थी, डेबिट होने में जो दिक्कत आ रही थी, उन्हीं के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है। सेकेंड पॉइंट में देख लेते हैं, द फी पेमेंट विंडो फॉर सच कैंडिडेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 8 मई 2024 से लेके 20 मई 2024 रात के 11:59 तक ये विंडो ओपन कर दी गई है। आज यानी कि 18 मई आज ही है, आज से लेके 20 मई 2024 यानी कि 18, 19 और 20 तीन दिन आपको दिए गए हैं। अगर आपके फ़ीस के रिगार्डिंग कोई भी समस्या थी, आपने फ़ीस कटवा रहे थे और फ़ीस आपकी कट नहीं रही थी, तो अब आपको तीन दिन एक्स्ट्रा और दे दिए गए हैं। तो समय से रहते आप अपनी फ़ीस कटवा दीजिएगा ताकि जो RPF का आपने फॉर्म फिलअप किया था वो कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाए। अब तीन दिन की विंडो का समय ओपन कर दिया गया है, 18 मई से लेकर 20 मई तक आपकी जो विंडो है वो ओपन कर दी गई है। अभी से आपकी विंडो ओपन हो गई है, जल्दी से जल्दी जाके RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना जो फीस स्टेटस है उसको कंप्लीट सक्सेसफुल आप कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट में देख लेते हैं क्या कहा गया, दोज कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर क्लोजिंग डेट 14 मई 2024 एंड अनेबल टू पे द फीस कैन नाउ पे फी क्लिकिंग पे नाउ बटन इन देयर एप्लीकेशन हिस्ट्री पेज आफ्टर लॉगिंग विद यूजर क्रेडेंशियल। तो ये बताया गया 14 मई से पहले जिस बच्चे ने फॉर्म फिलअप कर दिया था और उसके फीस में दिक्कत आ रही थी, अब क्लिकिंग पे नाउ बटन करके आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पेज पर जाकर लॉगिन विद यूज़र क्रेडेंशियल कर सकते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट में आ गया, नो फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस विल बी एंटर्ड फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव फेल्ड टू पे द फी ड्यूरिंग अबाउ पीरियड 18/5/2024 से लेके 20/5/2024। तो इसमें बताया गया है कि उसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, 18 मई से लेके 20 मई तक आपके पास समय है, रात के 11:59 तक। इन तीन दिनों में अगर आप फीस सबमिट कर लेते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो फिलअप माना जाएगा, अदरवाइज जो आपका कैंडिडेचर है उसको रद्द कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट में देख लेते हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज रेफर ओनली टू द वेबसाइट RRB फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज़ डू नॉट मिस सेल्ड बाय
सोर्स, तो ये यहाँ पे बताया गया। लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहें। जो भी आरआरबी से रिलेटेड, आरपीएफ या फिर कॉन्स्टेबल सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो भी भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा या फिर नोटिस आएगा वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा, तो वहाँ से आप जो जानकारी है वो ले सकते हैं। और ये हेल्प डेस्क ऑफ कैंडिडेट है, कैंडिडेट के लिए हेल्प नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर नंबर दिया गया है और ये इनकी ईमेल है। टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप इनके हेल्पलाइन नंबर और इस ईमेल पर संपर्क करके भी अपनी जो समस्या है उसको सोल्व कर सकते हैं। वो अलग बात है ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये अब फीस के रिगार्डिंग जो नोटिस है वो जारी किया गया है। अगर आपके फीस के रिगार्डिंग कोई भी समस्या आ रही थी तो आप जल्दी से जल्दी 18 से लेकर 20 मई तक आपको समय दिया गया है, जल्दी से जल्दी अपनी जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और अपनी तैयारी में लग जाइएगा। इसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर महीने में होने की पूरे पूरे चांसेस है, 3 महीने लगभग आपके पास समय है, 90 दिन है, बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर GKGS जो कि 50 मार्क्स की पूछी जाएगी रेलवे, RPF, कॉन्स्टेबल और SI एग्ज़ाम के अंदर, तो 50 मार्क्स में से कंप्लीट 50 मार्क्स अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा बिल्कुल फ्री बैच 1 मार्च से स्टार्ट किया गया है स्टैटिक GK का, उसको कंप्लीट हर सब्जेक्ट उसके अंदर 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, सभी सब्जेक्ट उसमें करवा रहे हैं। कोई भी GK से GS से रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बस उस बैच को आप कंप्लीट देख लीजिएगा, 50 में से 50 मार्क आप डेफिनेटली जो गेन है वो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे चैट या फिर बात करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट करके हमसे चैट या फिर बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। YouTube में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।